मनुष्य अपने जीवन में उतना ही बड़ा कुछ कर सकता है जितना बड़ा वो सोचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक बार की बात है, एक जंगल था, जंगल में एक तालाब था, तालाब के किनारे भी एक सुंदर सा घास का मैदान था। कोई भी निकलता तो बहुत ही प्रशंसा करता है, क्या घास का मैदान, उसमें भी सुंदर तालाब, क्या घना जंगल। एक बार क्या होता है, घास के मैदान में जो घास लगी थी उसमें एक तिनका उड़कर घास के बीच में पहुंच जाता है, और तिनके के पहुंचने पर वहां की घास कहती है कि तुम कहां इस निरस जीवन में मेरे बीच में पड़े हो और पीले पड़ चुके हो, और हम लोग कितने लहराते हुए हरे भरे हैं। तो इस पर तिनके को बुरा लगता है, तिनके को बुरा लगता है, और वो कहता भगवान आपने क्यों मुझे इस जीवन में यहाँ पर डाल दिया है। तभी क्या होता है कि एक हवा का झोंका घलता है, हवा का झोंका घलते ही जो घास थी वो लहराने लगती है और मुड़ने लगती है। तिनका भी क्या करता, वह उड़ते हुए और बगल के तालाब में गिर जाता है। वह देखता है तालाब में कि कुछ चींटियां जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। वह चींटियों से बोलता है, मे आई हेल्प यू, और आप मेरे ऊपर चढ़ जाए, मैं आपको किनारे पहुंचा दूंगा। तो चींटियां कुछ सोचती हैं, उसके बाद वह सोचने के बाद उस तिनके पर चढ़ जाती हैं और तिनका तैरते हुए किनारे उनको छोड़ देता है। जब चींटियां तिनके से उतर कर किनारे पहुंचती हैं, वह तिनके को धन्यवाद देती हैं। तो तिनका कहता है कि धन्यवाद आपको मुझे नहीं देना चाहिए, मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने मेरे जीवन की अहमियत मुझको समझा दी। आज मुझको लगता है कि मैं शायद आपके जीवन को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। इसलिए यह छोटी सी कहानी हम सभी को बताती है जो विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है। जो क्लास में कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो वो सोचते हैं जो होशियार विद्यार्थी हैं, आखिरकार ये होशियार क्यों हैं, हम कमजोर क्यों हैं। तो उन कमजोर विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निराश ना हो, आप बिल्कुल पढ़ने में मन लगाएं, आप भी उन होशियार विद्यार्थियों से आगे जाएंगे। जिस प्रकार तिनके ने उस चींटियों की लाइफ बचाई है, ठीक उसी प्रकार भी आपका भी जीवन किसी ना किसी उद्देश्य से, और बहुत बड़े उद्देश्य से ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।